हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ न्यू लेसन परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले के लेसन में हमने सीखा इनडेफिनिट के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में, और आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी फोर मेन वर्ब कौन सी काम में ली गई है? वी फोर आप देख सकते हैं, वी फोर मीन्स आईएनजी फॉर्म काम में लेनी है। आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे? वी वन में आईएनजी जोड़कर। वी वन वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप आईएनजी जोड़ के वी फोर बना सकते हैं। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम में लेनी है। और साथ में आप चेक कीजिए, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ रहा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। कैसे? वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम। टाइम से पहले आपको हमेशा फोर सिंस काम में लेना है। फोर सिंस टाइम से पहले, फोर सिंस, फोर और सिंस टाइम से पहले काम में लेते हैं या लेंगे, तो फोर लेंगे या सिंस, ये एक बड़ा टफ रहता है। तो इसके बारे में, फोर काम में लेना है या सिंस, इसके बारे में हम अगले लेसन में सीखेंगे। तब तक आज हम फॉर्मूले सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो, पास्ट वाला हो या फ्यूचर वाला हो, उन सब में बीन लगा होगा। क्या होगा? बीन, बी डबल ई एन, बीन, बीन। इससे पहले, वी फोर से पहले, वर्ब से पहले। तो चलिए फॉर्मूले किया और अपन आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में ली गई है? हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में ली गई है हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली गई है शैल हैव बीन, विल, विल हैव बीन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आपने साथ में सीखा, हैज बीन, हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, और आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम कंपलसरी है, टाइम जरूर आएगा, अवश्य होगा टाइम, और टाइम से पहले आपको फोर सिंस लगाना होता है। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस से परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट में पास्ट में और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता है, इसमें हैज बीन हैव बीन, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो आपने सीखा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इनका हम इस प्रकार से यूज करेंगे सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं वो हम अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन अगले लेसन के साथ।